नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूं गाठिये की सब्जी, जिसे हम सेव की सब्जी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। गाठिये की सब्जी बनाने के लिए हमने ये मोटा गाठिया लिया हुआ है, लाल वाला। आप नॉर्मल गाठिया भी यूज़ कर सकते हैं और बारीक सेव भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ये दो मीडियम साइज़ के ऑनियन को बारीक चॉप कर लिया है। मसालों में हमने 1 टेबल स्पून जीरा लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। हमने तेल लिया है सब्जी बनाने के लिए। हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटो को बारीक चॉप कर लिया। आप टमाटो प्यूरी भी ले सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून हमने बेसन लिया हुआ है, 1/2 कप हरा कटा हुआ धनिया लिया हुआ है। हमने 1 हरी मिर्च को ऐसे 4 स्लाइस में काट लिया है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून क्रीम लिया हुआ है। हमने गैस पे कढ़ाई पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब गैस का फ्लेम हम मीडियम करके उसमें ऑयल डालेंगे। 3 to 4 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला हुआ है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे और जीरा को हम हल्का सा भून लेंगे। जीरा पक चुका है, अब इसके अंदर हम कटे हुए ऑनियन डालेंगे। ऑनियन को भी हम जीरा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ हम ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। आप चॉप किए हुए जिंजर और गार्लिक भी ले सकते हैं और हरी मिर्च भी डालेंगे। अब इन सबको हम 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, ऑनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। आप भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं। बेसन को हम अच्छे से पका लेंगे। बेसन हमारा पक चुका है, अब इसके अंदर हम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, गरम मसाला 1 टेबल स्पून और सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डालेंगे। आप टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं और सारे मसाले में अच्छे से टमाटर को मिक्स कर लेंगे। टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे मसाले आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुके हैं। इसे हम एक बार चला देंगे। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम के बदले आप दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम डालने से हमारे ग्रेवी में क्रीमनेस आएगी और ग्रेवी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा और हमने जो बेसन यूज़ किया हुआ है उससे हमारे ग्रेवी में थिकनेस आएगी। क्रीम अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम 1.5 ग्लास वाटर ऐड करेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार ग्रेवी थिक एंड थिन कर सकते हैं। वाटर अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, अब इसे हम कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे एक उबाल आने तक। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी अच्छे से हो चुका है, अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और धनिया पत्ता को अच्छे से हम ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। धनिया पत्ता अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो चुका है, अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब इसके अंदर हम ये गाठिया ऐड करेंगे। याद रखें, गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही हमें गाठिया ऐड करना है, नहीं तो गाठिया पूरा गल जाएगा।
जब भी आपको सब्जी सर्व करनी हो तभी आप ग्रेवी में गाठिया को ऐड करें। गाठिया अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो चुका है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रखेंगे, फिर उसके बाद ठंडा होने के बाद इसे हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप ये गाठिया की सब्जी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।